Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्जाम ISTSE समर ओलंपियाड के प्रैक्टिस सेट। इससे पहले मैंने एक सेट 1 क्लास 3 के लिए डाल चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार अवश्य देखें। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप देखेंगे कि ISTSE ओलंपियाड में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम अभी भी इसके रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ऑनलाइन समर ओलंपियाड एग्ज़ाम 21 मई को होंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टार्ट हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो अभी भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर के बच्चों को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। इंडियन स्कूल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम क्या होता है, इससे रिलेटेड डिटेल्स वीडियो हमने बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर आपको ISTSE के क्लास 1 से 8 तक के सिलेबस और मॉडल पेपर मैंने डाल रखे हैं, तो वो भी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंगल पेपर होता है, ना कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पेपर नहीं होते हैं, एक सिंगल पेपर होता है जिसमें मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश एंड स्कॉलर सेक्शन, 5 सेक्शन में क्वेश्चंस बटे रहते हैं और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस ये रहते हैं, एबिलिटी में 6, मैथमेटिक्स में 8, साइंस में 8, इंग्लिश में 8 एंड स्कॉलर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल मार्क्स 100 के रहते हैं। तो चलिए इसी को ध्यान में रखकर हमने सेट बनाया है, तो आप इसे एक बार अवश्य प्रैक्टिस करें क्लास 3 के लिए। इसी प्रकार हर क्लास के लिए मैं एटलीस्ट अभी दो दो सेट लेकर आ रही हूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और इसे एक बार अवश्य वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा देखें और इसको समझें। पहला सेक्शन है मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी से, पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नंबर यूजिंग द गिवन क्लू। आई एम एन ऑड नंबर्स, माई टेंस डिजिट इन ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, My hundreds digit is even number and my thousands digit is the least odd number. इस क्लू को ध्यान में रखकर हमें पहचानना है कि क्या है, तो करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी 1495. आई एम ए ऑड नंबर, ये ऑड नंबर हो गया, 10 डिजिट ग्रेटेस्ट इज वन डिजिट, तो 10 डिजिट हमारा क्या हो रहा है 9 एंड वन डिजिट हमारा हो रहा है 5, तो ये से ग्रेटेस्ट हो गया। माई 100 डिजिट इज इवन नंबर, तो 100 डिजिट क्या हो रहा है 4 इज इवन नंबर हो गए, एंड माई 1000 डिजिट इज लिस्ट ऑड नंबर, और 1000 डिजिट जो है हमारा सबसे छोटा नंबर है, ऑड नंबर है और छोटा नंबर है, तो 1 हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड मैच द कॉलम। विधि है 60 एप्पल्स, सी गेव 1/3 ऑफ टू ईट हर सिस्टर एंड 1/5 रिमेनिंग टू हर ब्रदर। तो नंबर्स ऑफ एप्पल्स गेव हर सिस्टर्स, यहाँ पे इसको चलिए समझते हैं। यहाँ मैं पेंसिल यूज करूँगी, तो सिस्टर्स को उसने दे दिया 1/3, तो 60 इंटू 1/3 करेंगे, तो 3 × 2 = 6, ये हो गया 20 हमारा ये बच गया। तो विधि के पास कितने बचे, 60 - 20, तो विधि के पास बच गया हमारा 40, विधि के पास 40 बच गए, एंड 1/5 टू रिमेनिंग हर ब्रदर, जितना बचा उसमें से 1/5 उसने ब्रदर को दिया, तो 40 × 1/8, तो 8 × 5 = 40, ठीक है 1/5 है, सॉरी ये 1/5, तो 5 × 8 = 40, तो ये क्या हो गया हमारा 8। तो इस प्रकार मैच हमारा क्या हो रहा है, द नंबर्स ऑफ एप्पल गेव हर सिस्टर, सिस्टर को इसने कितने दिए 20, तो ये हमारा 20 हो रहा है, एंड नंबर्स ऑफ एप्पल्स गेव हर ब्रदर, ब्रदर को इसने कितने दिए 8 एप्पल्स दिए, एंड नंबर्स ऑफ एप्पल हर लेफ्ट, उसके पास कितने बच गए, तो 30 एप्पल्स हर लेफ्ट उसके पास बचे 20, और ब्रदर्स एप्पल्स गेव हर ब्रदर, ब्रदर को उसमें से माइनस किए तो बचे 32, तो करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन ए का 3,
बी का 1 एंड सी का 2। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। सॉरी, द गिवन क्लॉक्स ऑन टाइम इन द इवनिंग एट विच रोहन स्टार्ट एंड फिनिशेस हिज होमवर्क, हाउ लॉन्ग डज ही टेक द कंप्लीट हिज वर्क। अगर रोहन ने 8:30 बजे होमवर्क करना स्टार्ट किया है और 9:15 पर वो होमवर्क कंप्लीट कर लेता है तो उसे कितना टाइम लगता है। तो इधर देखेंगे 8:30 to 9, इसका 2:30 और ये 15 मिनट्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 + 15, 30 + 15, इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45 मिनट्स। करेक्ट आंसर इज 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑन द बेसिक ऑफ गिवन फिगर। ये फिगर दिया गया है, इसके हिसाब से ये बेसिक कौन सी लाइन सही है। नंबर ए, नंबर्स ऑफ स्टैंडिंग लाइन 18। स्टैंडिंग लाइन 18 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है। दिस इज रॉन्ग। नंबर्स ऑफ ट्रायंगल 7, तो देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर हम देखते हैं 5। इफ बॉल इज कॉल्ड कैप, कैप इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड इरेजर, इरेजर इज कॉल्ड बैग एंड देन राज विल वियर इन सनलाइट। हम सनलाइट में क्या पहनते हैं, तो हम कैप पहनते हैं और कैप को हम क्या कह रहे हैं, पेंसिल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पेंसिल। क्या है, राज क्या पहनेगा, पेंसिल पहनेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सो करेक्ट नंबर नेम मिस्टर शर्मा हाउस नंबर। मिस्टर शर्मा हाउस नंबर इज 9521, इसको हम क्या पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे। तो 50, 21, नो रॉन्ग, 9521। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी 4-डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 7502 ओनली वन सिम नंबर। कितने 4-डिजिट के नंबर बनेंगे अगर ये 750 नंबर को हम एक बार ही यूज करेंगे तो कितने नंबर्स बनेंगे। चलिए इसके सॉल्यूशन मैंने लिख रखे हैं, चलिए देख लेते हैं। 2057, 2075, ये देखिए मैंने नंबर नोट कर रखे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो टोटल नंबर फॉर्म क्या हो रहा है हमारा, 18 हो रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन हमारा ऑप्शन हो गया डी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा हो जाता है, मिस्टर राज नीड टू ऑर्डर रूलर रूल्स फॉर 24 स्टूडेंट इन क्लास। Each student need one ruler and rules comes pack of 8. So which of the following can be used to find many boxes rulers Mr. Raj need? अगर 24 student class में है और प्रत्येक student को एक ruler की आवश्यकता है और ruler comes pack of 8 pack का एक ruler, 8 pack में 8 ruler है, तो कितने ruler की जरूरत पड़ेगी, हम किस से निकालेंगे। Which can following can be used to find how boxes rule of Mr. needs? मिस्टर राज को कितने रूलर की जरूरत है, किस इक्वेशन से हम निकालेंगे। ए 24 + 8, 24 - 8, 24 × 8 या 24 / 8। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 24 है, तो नंबर्स ऑफ रूल इन वन बॉक्स कितने हो रहे हैं, 8। तो नंबर्स ऑफ बॉक्स नीडेड कितने जरूरत होंगे, 24 / 8। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, इससे हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट 3/6 सेडेड पार्ट। इसमें से 3/6 सेडेड पार्ट कौन सा है वो हमें ठीक लगाना है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें देखना पड़ता है कि नीचे कितने हैं, तो टोटल
सेट पार्ट उतने होने चाहिए और ऊपर जितने पार्ट हैं उतना ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल 6 हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ए एंड बी में 6 डिवाइडेड है और ऊपर 3 है, तो ऊपर 3 पार्टेड सेटेड चाहिए, तो 1 2 3 ऑप्शन बी सही है, इसमें 2 पार्ट डिवाइडेड है और सी एंड डी में तो 6 पार्टेड है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 12। रवि हैज रुपीज 186, ही वेंट टू बाय गिवन जाइलोफोन, हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय द जाइलोफोन। अगर रवि के पास 186 रुपीज है और उसे जाइलोफोन खरीदना है तो उसके कितने रुपए की जरूरत होगी। जाइलोफोन की कॉस्ट क्या हो रही है, रुपीज 240 और उसके पास कितना है, 180 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, 240 माइनस 1 8 एंड 6, तो इसको माइनस हम करते हैं तो इधर 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो इधर से हम ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कट के 3 हो जाएगा, तो 10 में से 6 गया, ये हो गया हमारा 4 एंड 14, ये 13 हो गया, 13 में से 8 गए तो ये हो गया 5 और 1 1 0, तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या हो रहा है, 54, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर्स 11। आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल ऑर्गेन, अब ये हमारा साइंस सेक्शन शुरू हो जाता है। जनरली 35 क्वेश्चंस रहते हैं लेकिन हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन ही करीब 23 क्वेश्चंस लिए हैं, आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल पर आपको इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे, ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड, प्रैक्टिस से एग्जाम से संबंधित जानकारी, डिफरेंट ओलंपियाड एग्जाम कब और कैसे होता है, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही क्लास फर्स्ट से 8 तक के सभी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट एंड एग्जामिनेशन प्रिपेयर क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है, नोज, हार्ट, ब्रेन या इंस्टेंटाइन। एक्सटर्नल ऑर्गन है हमारा ऑप्शन ए नोज। बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ, बर्ड्स किसकी सहायता से उड़ते हैं, बिग विंग्स, बॉडीज या नन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज द विंग्स, विंग की सहायता से बर्ड्स उड़ते हैं। नेक्स्ट है फ्लेश ईटिंग बर्ड्स कौन है, क्रो, वुड पिकर, सॉलो या नन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्रो। फोटोसाइंथेसिस ऑकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, गॉल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा इंग्लिश हो जाता है, जो इंग्लिश ज्यादातर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। थर्ड क्लास में जो बच्चों को ग्रामर पढ़ाया जाता है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए पहला, रोहित डैश और क्रिकेट सेट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर के साथ अगर हमारा हो रहा है तो लास्ट ईयर हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हैड, रोहित हैड अ क्रिकेट सेट लास्ट ईयर। सुमित इज जंपिंग डैश द बैट, बेट, ऑन, अंडर, विथ या नन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नन, सुमित इज जंपिंग ऑन द बेट, सुमित बेट के ऊपर, बेट पर जंप कर रहा है। चूज द ऑड पेयर, इसमें से ऑड पेयर कौन सा है, ए हैप्पी एंड जॉयफुल, इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट, रिच एंड वेल्थी एंड इजी एंड डिफिकल्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इजी एंड डिफिकल्ट। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों ऑप्शन हमारे सेम मीनिंग्स हैं, साइनोनिम्स वर्ड हैं, जबकि डी जो है इजी एंड डिफिकल्ट अपोजिट वर्ड्स हो रहे हैं या एंटोनियम्स वर्ड हो रहे हैं, इसीलिए ये ऑड वन आउट है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, नाइवर वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग हमें चूज करना है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, टी डैश गार्डन इन आसाम, टी टी इज ग्रो इन द गार्डन इन आसाम। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। अब हमारा हो जाता है स्कॉलर सेक्शन।
क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दिस लिप्स आर यूजुअली ईटन बाय ह्यूमंस, इसमें से कौन से लिप्स हैं जो ह्यूमंस के द्वारा यूजुअली खाई जाती हैं, मिंट लिप्स, बनाना लिप्स, कोरिएंडर लिप्स या स्पाइनिश लिप्स। ऑप्शन ए ओनली द स्पाइनिश लिप एंड बनाना लिप, बी ओनली द स्पाइनिश लिप, सी ओनली द मिंट लिप एंड कोरिएंडर लिप एंड स्पाइनिश लिप एंड डी ओनली द कोरिएंडर लिप एंड बनाना लिप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओनली द मिंट लिप, कोरिएंडर लिप एंड स्पाइनिश लिप। नंबर 21, जिया वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम फॉर 2:15 PM टू 2:45, हाउ लॉन्ग डिड ही प्रोग्राम लास्ट, वो कितने घंटे तक प्रोग्राम देखिए उसने, 2:15 से उसने स्टार्ट किया एंड 2:45 तक उसने प्रोग्राम देखा, ये कितने मिनट्स के हो जाएंगे। तो 2:45 में माइनस करेंगे हम 2:15 तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 मिनट्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ वर्ड फॉर्म द आफ्टर अरेंजिंग द गिवन लेटर, इस लेटर को अरेंज करके हमें देखना है ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो चलिए इसको हम अरेंज करते हैं, ये हो गया एल ओ टी यू एस, लोटस, लोटस किसके अंतर्गत आ रहा है, करेक्ट आंसर ये ऑप्शन डी फ्लावर, लोटस क्या है, फ्लावर, तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ले एग्स, स्नेक, डॉग, काउ या एलिफेंट, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्नेक, स्नेक ले एग्स। तो ये था आपका ये प्रैक्टिस सेट फॉर ओलंपियाड एग्जाम, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और कल हम क्लास सेकंड के प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे इसी ओलंपियाड एग्जाम को ध्यान में रखकर। तो चलिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।